नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रकाश स्वागत करता हूं आपका। एक छोटे से टॉपिक बायोलॉजी के ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में यहां चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहां इस चार्ट में देख रहे हैं, ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम बोन से बना होता है और ये बोन अबाउट 206 यानी कि 206 बोन्स जो है वो हमारे शरीर में पाई जाती है। बेसिकली जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक्जल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्जल स्केलेटन सिस्टम में टोटल 80 बोन पाई जाती है, जबकि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन पाई जाती है। यदि हम बात करें एक्जल स्केलेटन सिस्टम की, तो एक्जल स्केलेटन सिस्टम में आप स्कल को इंक्लूड करेंगे जिसमें लगभग 29 बोन होती है। यदि हम बात करें वर्टिब्री कॉलम, वो भी एक्जल स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है जिसमें 26 बोन होती है। स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, ये एक सिंगल बोन होती है। रिब्स जो है वो हमारे 12 पेयर यानी कि 24 बोन जो है वो बनाती है। इसी तरीके से अपने बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप एक तो ग्रेडल्स को शामिल करेंगे, दूसरा इसमें लिम्ब्स को शामिल करेंगे। यदि हम बात करें ग्रेडल्स, ग्रेडल्स अपने दो तरह की होती है, एक तो पेक्टोरल ग्रेडल जबकि दूसरी इसमें आप देख रहे हो पेल्विक ग्रेडल। पेक्टोरल ग्रेडल जो हमारे शोल्डर या कंधे का निर्माण करती है, हर एक जो पेक्टोरल ग्रेडल है उसमें दो बोन होती है। इस तरीके से ये टोटल 4 बोन जो है वो स्केलेटन सिस्टम की बनाती है। पेल्विक ग्रेडल जो आपके हिप या कूल्हे का निर्माण करती है, बेसिकली पेल्विक ग्रेडल दो बोन से बना होता है जो फ्यूज या संयुक्त अस्थियों का उदाहरण है। तो इस तरीके से ये टोटल दो बोन जो है अपने स्केलेटन सिस्टम के बनाने में योगदान देती है। इसी तरीके से हमारे बात करें लिम्ब्स, लिम्ब्स में अपने फोर लिम्ब जिसको अपने हाथ बोलते हैं, प्रत्येक फोर लिम्ब में आपके 30 बोन, दो फोर लिम्ब होने के कारण आपके स्केलेटन सिस्टम में 60 बोन का ये कंट्रीब्यूट करती है। जबकि हैंड लिम्ब यानी कि जिसको आप पाँव बोलते हैं, इसमें भी हाथ के समान या फोर लिम्ब के समान 30 बोन होती है और इस तरीके से ये भी आपके 60 बोन यानी कि टोटल 60 अस्थियाँ स्केलेटन सिस्टम की बनाती है। यदि हम बात करें हमारे स्केलेटन सिस्टम को एक डायग्राम से देखना चाहें, तो यहाँ इस डायग्राम में देखें एक कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है वो दिखाया गया है डायग्राम में। इसके साथ ही आप देख रहे हो एक्जल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, उसको अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ एक्जल स्केलेटन सिस्टम में स्कल, इसी तरीके से वर्टिब्री कॉलम, रिब्स, ये मेन जो है वो इसके अंदर है। इसी तरीके से ये सामने स्टर्नम दिख रही है, शामिल की गई है। हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में जैसे रेड कलर से ये स्केलेटन सिस्टम दिख रहा है जिसमें आपके शोल्डर या पेक्टोरल ग्रेडल, पेल्विक ग्रेडल, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ये पाँव के निर्माण में काम में आती है। अब यदि हम बात करें हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में एक सामान्य जानकारी रखें, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले अपने स्कल जो है उसको स्टडी करेंगे। स्कल में टोटल 29 बोन पाई जाती है। इस 29 बोन में क्रेनियल बोन 8, फेशियल बोन 14, ईयर ओसिलस 6 और हायोड बोन एक सिंगल बोन होती है। सबसे पहले बात करेंगे क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, टोटल ये 8 होती है जिसमें डायग्राम में ये कलर के रूप में दिखाई गई है। जैसे कि फ्रंटल बोन ये सिंगल होती है, ऑक्यूपिटल बोन सिंगल होती है। इसी तरीके से पैराइटल बोन ये दो, लेफ्ट और राइट साइड, टेम्पोरल बोन लेफ्ट और राइट साइड। हम बात करें इसी
क्रेनियल बोन के अंदर नीचे की तरफ एक सिंगल स्फीनोइड और एथमोइड बोन होती है। ये सारी बोन बहुत ही मजबूत जोड़ से जुड़ी रहती है। ये जो मैंने अभी मार्क करा है, ये जोड़ जो है काफ़ी मजबूत होते हैं। इनको आप फ्यूचर के नाम से जानते हैं। ये सारी बोन्स जो है वो एक कॉम्पैक्ट कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है और क्रेनियन कैविटी की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। यदि हम बात करें फेशियल बोन, यहाँ अपने इस डायग्राम में देख रहे हैं फेशियल बोन, जिसमें कुल 14 बोन पाई जाती है, जिसमें दो नेजल, दो लैक्रिमल, दो इन्फीरियर नेजल, मैगजिला दो बोन होती है, मैंडिबल एक बोन होती है, पैलेटाइन दो बोन होती है, जाइगोमेटिक दो बोन होती है और वोमर ये दो बोन होती है। ये एक्चुअल में हमारे फेस की निर्माण में काम में आती है, तब इस वजह से इसे आप फेशियल बोन कहते हैं। बात रहती है ईयर ओसिलस, इसके लिए अपने को ईयर की जो स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ अपने देख रहे हैं मिडल ईयर के अंदर तीन तरह की बोन, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। हमारे दो कान होते हैं और इस कान के अंदर मिडल पार्ट में मेलियस, इनकस, स्टेपिस यानी कि ईयर ओसिलस एक साइड में तीन, तो दोनों साइड टोटल छः बोन जो है वो पाई जाती है। अब बात करते हैं अपने हाइड बोन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हाइड बोन जो है वो एक सिंगल फ्री स्कल की बोन होती है, जिसको रेड कलर से यहाँ दिखाया गया है, और ये एक सिंगल बोन होती है। अब बात करते हैं अपने स्कल के बाद वर्टिब्री कॉलम। जैसा कि आप यहाँ वर्टिब्री कॉलम देख रहे हैं, वर्टिब्री कॉलम जो है, जिसको आप हिंदी में कशेरुक दंड कहते हैं, एक्चुअल में छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी हुई एक सीरीज है। यहाँ आपने देखेंगे ये बोन जो है, एक सिंगल यूनिट बोन जो है वो वर्टिब्री कहलाती है। यहाँ सबसे पहले अपने बात करेंगे वर्टिब्री के बारे में। यहाँ इस जगह जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में मैंने रेड कलर से जो मार्क किया है, ये एक सिंगल वर्टिब्री है और ये एक सिंगल वर्टिब्री है। दो वर्टिब्री आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, जिनका जो बॉडी या सेंट्रम पार्ट है ये एक दूसरे के सामने होता है। दोनों वर्टिब्री की जो सेंट्रम है या बॉडी है, उनके बीच में ये मौजूद स्ट्रक्चर जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्चुअल में ये फाइबरस कार्टिलेज से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है और इन सेंट्रम को आपस में जोड़ने का काम करती है और दो सेंट्रम के बीच में फ्रिक्शन को कम करने का ये काम करती है। क्योंकि अपने वर्टिब्री कॉलम जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्ट्रक्चर होती है। हम बात करें इसके एक वर्टिब्री की स्ट्रक्चर के अंदर, एक वर्टिब्री जो है उसके अंदर सेंट्रम या बॉडी पार्ट आप देख रहे हो, सेंट्रम या बॉडी पार्ट के जो सिरे होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हो। तो उसके बिहाफ ये हमारी जो वर्टिब्री है वो एम्फिप्टेलाइन या फिर एसिलस टाइप की होती है, एम्फिप्टेलिन या एसिलस टाइप की होती है। इस सेंट्रम या बॉडी के जस्ट ऊपर की तरफ आप न्यूरल कैनाल देख रहे हैं। इस न्यूरल कैनाल को चारों तरफ से घेरते हुए ये जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर एक बोन की जो ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, उस पर एक स्पाइन पाया जाता है, जिसे न्यूरल स्पाइन बोलते हैं। ये लेटरल प्रोसेसेस होते हैं। न्यूरल कैनाल हर एक वर्टिब्री की एक दूसरे के सामने होती है और इस वर्टिब्री के न्यूरल कैनाल के बिल्कुल आमने सामने होने के कारण एक कैनाल या एक टनल जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इस टनल के अंदर हमारे ब्रेन से निकली हुई स्पाइनल क्रोड पाई जाती है, इसी वजह से अपने इसे न्यूरल कैनाल कहलाते हैं। यानी कि नर्वस सिस्टम की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसके अंदर
सुरक्षित रहती है। हम बात करते हैं हमारे वर्टिब्री कॉलम के अंदर पाई जाने वाली वर्टिब्री के टाइप के बारे में। यदि हम बात करें टोटल 26 बोन जो है वो हमारे एडल्ट के अंदर जो है वर्टिब्री पाई जाती है। इसमें वर्टिब्री कॉलम में वर्टिब्री के टाइप सबसे पहले सर्वाइकल, दूसरा इसके अंदर आपके थोरेसिक, तीसरा इसके अंदर लंबर, चौथी सैक्रम और पांचवी इसके अंदर आपके कोक्जल। जैसा आप फॉर्मूला देख रहे हैं C7 थोरेसिक जो वर्टिब्री 12, L5 S यानी के सैक्रम 1, कोक्जल 1। तो यहाँ ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के आधार पर जो शुरुआती सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है उनकी संख्या 7 होती है, जिसमें पहली जो वर्टिब्री है उसको आप एटलस बोलते हैं, फिर उसके बाद में एक्सिस, और फिर बाद में 5 इसकी टिपिकल जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो पाई जाती है। इसी तरीके से थोरेसिक वर्टिब्री ये 12 होती है। प्रत्येक वर्टिब्री के लेटरल प्रोसेस से रिब्स जो है वो जुड़ी रहती है। हम जब थोरेसिक जो रिब्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे तब ये चर्चा करेंगे। इसी तरीके से लंबर जो आपकी वर्टिब्री है ये सबसे मजबूत बैकबोन की या वर्टिब्री कॉलम की बोन होती है, क्योंकि बॉडी के जो ऊपर का हिस्सा है उसका सारा भार इसके ऊपर ही होता है। इसी तरीके से सैक्रम ये फ्यूज और कॉक्जल ये फ्यूज यानी कि संयुक्त वर्टिब्री का एग्जांपल है, क्योंकि आप देखें इन्फेंट या फीटस के अंदर इनकी संख्या सैक्रल C S5 और कॉक्जल 4 यानी कि सैक्रम जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 5 बोन से बना होता है और कॉक्जल जो है वो आपका 4 बोन से बना होता है, लेकिन अडल्ट के अंदर ये आपस में फ्यूज हो जाती है। इस तरीके से ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो फॉर्मूला जो दिए गए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी, कि भी अडल्ट के अंदर और इन्फेंट या फीटस के अंदर कितनी जो है वर्टिब्री पाई जाती है वो एक क्वेश्चन बनता है। हम बात करें थोरेसिक केज या स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रिब्स है वो टोटल हमारे 12 पेयर पाई जाती है और उसको आप क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। 3 तरह की रिब्स पाई जाती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो है वो आपकी 1 से लेकर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देख रहे हैं, इनको ट्रू रिब्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये पीछे से बैकबोन से शुरू होकर वर्टिब्री कॉलम से शुरू होकर सीधी डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ रही है। जबकि हम बात करें फॉल्स रिब्स, जो फॉल्स रिब्स जो है वो एक्चुअल में 8वीं, 9वीं और 10वीं रिब्स होती है। ये डायरेक्ट जो है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ती, ये जो ट्रू रिब्स है उनके साथ में जुड़ते हुए कुछ स्टर्नम से इस तरीके से जुड़ती है। जबकि फ्री और फ्लोटिंग रिब्स जो है वो आपकी 11th और 12th 2 जोड़ी जो है वो पाई जाती है। इनके मार्जिन जो एंड आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर ये फ्री होते हैं यानी कि स्टर्नम से नहीं जुड़े होते। यहाँ यदि हम बात करें कि एक जो रिब्स है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, रिब की स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि भी ये एक रिब जो है उसकी स्ट्रक्चर में कर्व्ड यानी कि मुड़ी हुई ये बोन होती है, जिसमें एक तो हेड ट्यूब्रेकल और ये इसका कर्व्ड भाग मुड़ा हुआ भाग है। इसका जो मार्जिन है कोस्टल पार्ट जो है वो कार्टिलेज से बना होता है, बाकी ये बोन से बनी होती है। यदि हम बात करें स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, तो यहाँ आप देख रहे हो बिल्कुल सामने की तरफ ब्रेस्ट बोन है। एक ब्रेस्ट बोन की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर देता हूँ मैं। यहाँ अपने देखेंगे ये एक ब्रेस्ट बोन स्टर्नम जिसे हम कहते हैं वो दिख रही है। स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन की
स्ट्रक्चर के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक तो मेनुब्रियम, दूसरा बॉडी और तीसरा होता है जाइगोफाइट प्रोसेस। एक्चुअल में आपके 12th में इतना ही दिया गया है, तो ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करते हुए आगे जो है वो अपने नए टॉपिक को देखेंगे। हम बात करते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में लिम्ब्स जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका फोर लिम्ब और ये हैंड लिम्ब। फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब 30 यानी कि 30 बोन से बना होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले फोर लिम्ब के बारे में। फोर लिम्ब में आप जैसा ये डायग्राम देख रहे हैं, और इसमें सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे फोर लिम्ब या हाथ की जो पहली बोन होती है वो होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस का एक मजबूत बेस होता है हाथ के अंदर, और इसका जो हेड जो पार्ट है वो आपकी पेक्टोरल ग्रेडल के एक गड्ढे के अंदर, जिसे आप ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, उसमें फिट होता है। जबकि दूसरा इसका जो सिरा होता है, जो रेडियस और अल्ना बोन से जुड़ा होता है, ये ट्रोकलिया के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअल में यहाँ एक खांच होती है, जिसको आप खांच होती है जिसको आप सिग्मोइड नोच कहते हैं, इसके साथ ये जॉइंट बनाती है, हिंज जॉइंट। यदि हम बात करें सबसे पहले हाथ के अंदर ह्यूमरस बोन, ये एक सिंगल बोन होती है, जबकि रेडियस और अल्ना ये आप देख रहे हो ये और सिंगल सिंगल अलग बोन है। कार्पल्स ये आपकी टोटल 8 बोन होती है। मेटा कार्पल्स ये आपके पाम या हथेली का निर्माण करती है, जबकि अंगुलियों के अंदर जो बोन पाई जाती है उसे फ्लेंजेस बोलते हैं। फ्लेंजेस का जो फॉर्मूला है उसमें 3 3 3 3 2 यानी कि टोटल 14। हमारे जो थंब या अंगूठा होता है उसके अंदर 2 बोन पाई जाती है। सेम ऐसे ही पाँव के अंदर भी फ्लेंजेस जो है वो इसी तरीके से पाई जाती है। यदि हम बात करें हमारे हैंड लिम्ब यानी कि पाँव के बोन की बात करें, तो पाँव के अंदर आपके जो बोन पाई जाती है वो एक्चुअल में सबसे पहले फीमर। फीमर जो है वो सबसे मजबूत बोन होती है और सबसे लंबी बोन होती है हमारे शरीर की। फिर आती है इसके अंदर टिबिया और फिबुला। इसी तरीके से टार्सल, यहाँ था मेटा, यहाँ था कार्पल्स, यहाँ क्या है टार्सल। हमारे मेटा कार्पल्स है हाथ के अंदर, तो यहाँ मिलेगी आपको मेटा टार्सल। फ्लेंजेस सेम है। एक चीज़ ध्यान करने वाली है कि जो कार्पल्स हैं उनकी संख्या 8 है, टार्सल्स जो है उनकी संख्या 7 है। एक बोन जो आपकी यहाँ टार्सल में कम हो रही है उसने पटेला का फॉर्मेशन किया है। पटेला ये आप देख रहे हो, ये फीमर और टिबिया फिबुला जहाँ जॉइंट होती है उसके सामने की तरफ अपने घुटने के सामने एक बोन होती है उसकी फॉर्मेशन करती है। यदि हम बात करें हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर पेक्टोरल ग्रेडल, तो पेक्टोरल ग्रेडल जो हमारे शोल्डर या कंधे के अंदर पाई जाती है। एक पेक्टोरल ग्रेडल की स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो 2 मेन बोन होती है। एक तो इसमें जो देख रहे हो स्केपुला, चौड़ी लीफ जैसी ये हमारे कंधे के अंदर बोन होती है, इससे हमारे कंधे की जो मसल है वो जुड़ती है। और एक बोन होती है इसके अंदर क्लेविकल। स्केलेटन सिस्टम की ये 2 ही बोन जो है वो आपके पेक्टोरल ग्रेडल में पाई जाती है। हालांकि इनके कुछ ये प्रोसेसेस पाए जाते हैं, जैसे कि कैराकोइड प्रोसेसेस और एक्रोमीन प्रोसेसेस। कैराकोइड प्रोसेस जो है वो हमारे एक कैविटी की फॉर्मेशन करता है जिसको ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जो है वो आकर फिट होता है। इस तरीके से हमारे दोनों साइड ये पेक्टोरल ग्रेडल शोल्डर के अंदर मौजूद होती है। अब हम बात करें पेल्विक ग्रेडल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं,
पेल्विक ग्रेडल जो है वो हमारे हिप एरिया में पाई जाती है, और इससे हमारे पाँव की जो फीमर है वो जुड़ती है। एक्चुअल में एक पेल्विक ग्रेडल में 3 बोन होती है, इलियम, प्यूबिस और इसिचियम। आप पेल्विक ग्रेडल को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करें, जैसे कि आप ये इधर डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ ऊपर का हिस्सा इलियम, ये इसिचियम और ये प्यूबिस बोन। एक्चुअल में ये एक फ्यूज या संयुक्त बोन का उदाहरण है, जिसको आप ओसिनेमेटम के नाम से जानते हैं, इन तीनों बोन को। हालांकि यहाँ आप इस बोन के दोनों साइड कुछ कैविटी देख रहे हैं, ये कैविटी जो है वो एक्चुअल में हमारे फीमर का हेड जोड़ने के लिए जो सॉकेट है या खांच है उसकी फॉर्मेशन करता है, इसको अपने एसिटाबुलम सॉकेट कहते हैं। एसिटाबुलम जो सॉकेट है उसमें फीमर का हेड जो है वो बॉल सॉकेट जॉइंट बनाता है। हमारे जो प्यूबिस बोन जो है हाफ पार्ट के अंदर, ये आपस में एक जॉइंट से जुड़ी रहती है, जिसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस इतना ज़्यादा मजबूत जोड़ नहीं होता, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट जो है वो खुल जाता है, और डिलीवरी यानी कि प्रसव की प्रक्रिया में बर्थ कैनाल चौड़ी हो या प्रसव की प्रक्रिया सही तरीके से हो तो उसके लिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट रिलैक्सिन हार्मोन की हेल्प से खुलता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब जो एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कशन किया है समझ में आया होगा। सुधार योग्य बिंदु जो है वो बताने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।